पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादी व्यवस्था के सबसे बड़ा जनक अगर कोई है तो आपके घर के महिलाएं हैं। ये नालंदा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। बौद्ध धर्म संस्कार आपसे साजिश करवाता है। आप सभी को भी जीवन में कभी भी ये जरूरत होगा। मौके पर देश विदेश से इन बच्चों को आए हैं और मैं सोचता हूँ ये बिहार शरीफ में इतना बड़ा लोग इकट्ठे होकर बच्चे को शादी जो हो रहा है बहुत रीति रिवाज को मैं सोचता हूँ पहले बार हो रहा है होना अच्छा। गुरु जी लोग आकर साधु संत आकर आशीर्वाद देकर पूजा पाठ करके मेरे के भी रिश्तेदार को शादी का काम ऐतिहासिक कार्य है और बाबा साहेब अंबेडकर ने जो सपना देखा था भारत के शोषित और वंचित समाज के लिए बाबा साहेब अंबेडकर सभी दुख को अपमान को झेल के अंत में बौद्ध दीक्षा लेकर अपने शोषित और वंचित समाज को अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए इस देश के मूलवासियों को संकेत दिए। और आज नालंदा के भूमि पे यह प्रथम कार्य है जो भाई कौशल कुमार जी ने कर दिखाया है। ये बाबा साहब का जो सपना था उसको पूरा करने का जो कार्य कौशल कुमार ने किया है ये नालंदा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। और ये सत्य है जैसा कि भंते जी बता रहे थे कि अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को अपनाया था। हम तमाम यहाँ के युवाओं से कहना चाहते हैं कि ये जो ऐतिहासिक कार्य कौशल कुमार ने किया है इसको आप सब लोग अपनाएं, अपने अपने घरों के महिलाओं को जागरूक करें। पाखंडवाद, अंधविश्वास, रूढ़िवादी व्यवस्था के सबसे बड़ा जनक अगर कोई है तो आपके घर के महिलाएं हैं। महिलाओं को जागरूक कीजिए, बाबा साहेब अंबेडकर के विचारधारा को अपनाएं। जैसा कि भंते जी कह रहे थे बुद्धम शरणम गच्छामि, हम तमाम लोगों को बताना चाहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि को ही बाबा साहेब अम्बेडकर ने मंत्र दिया है। शिक्षित बनो,
संगठित हो जाओ और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। ये संघर्ष का आयाम है नालंदा में, जो कौशल कुमार ने ये इतिहास रचने का काम किया है। मैं दिल से अपने संगठन के माध्यम से इनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने नीली क्रांति का आगाज किया है। आपने पग से पग बढ़ा के अंधविश्वास, पाखंडवाद और रूढ़िवादी परंपरा को तहस नहस किया, धराशायी किया है। यह देश बुद्ध का है, हम बुद्ध के वंशज है, हम शाक्य वंशज है, हम नागवंशी है, हम इस देश के वंशज है। हमको अछूत इसीलिए बनाया गया था क्योंकि हम लोग बौद्धिस्ट थे, हम बुद्ध का वंशज है। इन्हीं चंद बातों के साथ में अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हमारे रवीश भैया और बुद्ध धर्म के जो भंते जी है, इनके द्वारा बुद्ध धर्म के रीति रिवाज से मैंने अपना जो छीका और तिलक समारोह में सबको शामिल कर समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो भी धर्म है, सबसे अच्छा धर्म बौद्ध धर्म है। इसमें कोई छुआ छूत वगैरह वगैरह पाखंड का कोई भी कारण नहीं है और शांति का प्रतीक है। जो हम चाहेंगे अपने समाज को कि सब लोग बुद्ध धर्म अपनाएं और इसी रीति रिवाज से शादी करें कि जिससे समाज का विकास हो, माइंड में कुछ नहीं जाए। इसलिए हम सबसे अनुरोध करेंगे कि जितने भी मेरे समाज के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा बुद्ध धर्म को अपनाएं और इसी रिवाज से शादी करें। जय भीम। ये नालंदा की धरती पर प्रथम शुरुआत है, प्रथम शुरुआत है बदलाव की। हरा बहने की संभावना बहुत ही है। मैं अपने बहुजनों से मैं अपील करूंगा और खासकर मैं अपने पासवान समाज से अपील करूंगा कि इतना स्वच्छ और शांति इस बौद्ध धर्म में है और बौद्ध धर्म को अपनाएं और अपने अपने बाल बच्चे को शिक्षित बनाएं, संगठित बनाएं और अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाएं और इसी धर्म को अपनाने का शुरुआत करें। क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र पासवान, पासवान अधिकार मंच का मैं एक उपाध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं बहुजनों से अपील करता हूँ इस धर्म को अपनाने के लिए आगे आए और रूढ़िवादी परंपरा से मुक्ति पाए। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर जरूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।